वीडियो में बताऊंगा कि आप चरित्र प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको हम करैक्टर प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना हो चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए, तो आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आप सभी को अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको टॉप में सर्च बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको एक वेबसाइट टाइप कर लेनी है, सर्विस प्लस बिहार। तो इस तरीके से यहाँ मैं इस वेबसाइट को टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी, RTPS इस तरीके से 2। तो आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको क्या करना होगा, आपको 1 से 2 बार स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से। तो यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिल रहा नागरिक अनुभाग। देन इसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। तो आपको इस पर टैप कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट सर्विस। तो यहाँ आपको RTPS कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रेफरल नंबर जो होता है, अनुक्रमांक नंबर होता है वो आपके पास होगा इस तरीके से। तो वो आपको यहाँ वो अनुक्रमांक नंबर यहाँ मेंशन कर देना है। देन उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है एप्लीकेशन नेम इन इंग्लिश। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको जिस भी पर्सन का आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं लाइक आकाश इस तरीके से, आपको आकाश कुमार इस तरीके से उसका नाम आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको PDF से ओपन कर लिया है। मैं आपको